हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बिहार स्पेशल में जनसंख्या नगरीकरण करेंगे और यहाँ से प्रत्येक साल एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। निश्चित तौर पे हमेशा बीपीएससी एक और दो प्रश्न जनसंख्या जनगणना से, शहरीकरण नगरीकरण से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हो जाता है, पहला सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, क्या पटवारी को कहते हैं, लंबरदार को कहते हैं, जेलदार को कहा जाता है या जमींदार को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, पटवारी को कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटवारी हो जाएगा। इसका आंसर ए है, पटवारी आंसर हो जाएगा। यह ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का एक अधिकारी होता है या राजस्व विभाग में, और इसको कहें तो पटवारी जो प्रणाली की प्रारंभ जो किया, यानी कि पटवारी जो सिस्टम थी, पटवारी जो प्रणाली है, इसको शुरुआत करने वाला शासक शेर शाह है। और शेर शाह के समय में राजस्व अधिकारी टोडरमल के द्वारा इसका सृजन किया गया था, टोडरमल के द्वारा इसका सृजन किया गया था। किसका? पटवारी का। बाद में अकबर ने इसे बहुत आगे बढ़ाया। हालांकि अगर पटवारी की बात करें तो किसान और उनकी जोत के कागजातों को संरक्षित करने का ये काम करता था पटवारी। अभी आप जाइएगा राजस्थान में तो इसके लिए अलग से पोस्ट निकाला जाता है, है ना? अभी हमारे पूरे भारत में, मतलब ये पोस्ट जो है हर सिविल सर्विसेज में, हर कर्मचारियों में ये पोस्ट जो है वो निकलता है अलग से। ये जो राजस्थान है वो राजस्थान अलग से इसको प्रबंध करता है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65वीं बीपीसी 2019 में यह पूछा गया सवाल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, 2018 में बीपीएससी सीडीपीओ में प्री का एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा हुआ था, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये बात तो हम जानते हैं कि रोहतास में है, हम ये बात जानते हैं कि रोहतास में है, लेकिन रोहतास में कितना प्रतिशत है, अब ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है। अगर मानते हैं कि रोहतास दो ऑप्शन दिया, भागलपुर पटना दे दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आंसर इसका ई हो जाएगा, आंसर इसका ई हो जाता है, क्योंकि रोहतास में 73.37% वहाँ पे एजुकेशन रेशियो है रोहतास में, लेकिन यहाँ पे 70 दिया है और 75.59% हो जाता है। इसीलिए आंसर 1, 2, 3, 4 यानी कि यहाँ तक ए बी सी डी में नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बिहार में साक्षरता दर, यानी कि पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार का ही है, बिहार का सबसे कम साक्षरता यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर बिहार की साक्षरता की अगर बात कर दे तो बिहार की साक्षरता कितना हो जाएगा, 61.8% हो जाता है, बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता की बात करें तो 74.04% हो जाता है, और यह है 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो बिहार की साक्षरता 61.8% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता, जहाँ पे पुरुष की साक्षरता 71.2% हो जाएगा, और महिला की जो साक्षरता है, महिला की साक्षरता वह 51.5% हो जाता है। यानी कि कुल साक्षरता 61.8% और इसमें पुरुष की साक्षरता 71.2% हो जाएगा और महिलाओं की साक्षरता 51.5% हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे नीचे में पहला स्थान बिहार का हो जाता है साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो, है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता में, है ना? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता, अगर पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसका है, है ना? तो सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता
ये सर्वाधिक साक्षरता हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा रोहताश का। रोहतास का साक्षरता सबसे ज़्यादा है, 73.37% हो जाता है रोहतास का। उसके बाद स्थान आएगा पटना का, उसके बाद पटना का स्थान आता है और पटना का स्थान हो जाएगा 70.68% हो जाएगा। रोहतास का 73.37% और पटना का 70.68% हो जाता है। उसके बाद भोजपुर, उसके बाद भोजपुर का स्थान है, भोजपुर का 70.47% है और उसके बाद मुंगेर का स्थान आता है। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर का स्थान आ जाएगा और मुंगेर का स्थान कितना है तो 70.46% हो जाता है, 70.46% है, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सर्वाधिक साक्षरता रोहतास का, पटना का, भोजपुर का और मुंगेर का हो जाता है, सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में। नेक्स्ट हम लोग यहीं पे बात करते हैं, अगर पूछेगा कि सबसे न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता जो है, न्यूनतम साक्षरता हो जाएगा पूर्णिया का। पूर्णिया का न्यूनतम साक्षरता बिहार में सबसे, है ना, न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया का है 51.8% हो जाता है, 0.8% हो जाएगा, है ना। और पूर्णिया के बाद स्थान हो जाएगा इसका सीतामढ़ी का स्थान है और सीतामढ़ी में आपको 52.05% यहाँ के लोग मतलब साक्षर है। और सीतामढ़ी के बाद स्थान आएगा कटिहार का और कटिहार में 52.24% है। और उसके बाद ये है मधेपुरा का स्थान है जहाँ पे बावन दशमलव पच्चीस परसेंट हो जाएगा, 52.25% हो जाता है यहाँ पे। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर और सर्वाधिक जो साक्षरता दर है, कम से कम 3-4 क्रम के अनुसार ज़रूर याद करिएगा, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों का, यानी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है यह रोहतास का हो जाएगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता अगर पूछे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो यह पूर्णिया हो जाता है, यह पूर्णिया हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता अगर पूछे तो महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास का हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात करें तो यह सहरसा हो जाता है, यह सहरसा हो जाएगा। सहरसा क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता हो जाएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता है यहाँ पर, महिला साक्षरता दर हो जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, सहरसा में, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर है क्या है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना हो जाएगा, शहरीकरण का स्तर पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2011 जनगणना के बाद अगर हम लोग बात करें, 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो शहरीकरण जो है 11.3% था। 2011 जनगणना के अनुसार शहरीकरण यहाँ पे 11.3% था, लेकिन अगर हम लोग 2021 और 22 के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे 15.3% शहरीकरण हो जाता है बिहार में। 2021-22 में शहरीकरण 15.3% हो जाएगा। अगर बात हम लोग 2022-23 की करते हैं, 2022-23 के अनुसार 16.2% शहरीकरण हो जाता है, 16.2% शहरीकरण हो जाता है, यह बिहार का पूछा गया सवाल है, है ना। 2011 जनगणना के अनुसार शहरीकरण 11.3%, 2021-22 के अनुसार 15.3% और 2022-23 के अनुसार 16.2% हो जाता है। यही हम लोग अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 2011 जनगणना के अनुसार 31.7% क्या था, शहरीकरण था, नगरीकरण था।
2018 में बढ़कर किया 2018 में बढ़कर किया 33.6% हो जाता है 2018 में, और 2024 में अगर हम लोग बात करें तो 2024 में अब बढ़कर 36.6% शहरीकरण हो जाता है भारत की, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत हो जाएगा? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत हो जाएगा, क्या प्रतिशत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दो, इसका आंसर डी हो जाता है, 8.4%। लेकिन यह सवाल जो है यह 2011 जनगणना के बाद नहीं पूछा गया होगा, इसका मतलब है कि 2009-10 में यह सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यानी कि 2001 जनगणना के अनुसार जो है यह सवाल पूछा गया है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.60% होता है कुल जनसंख्या का, 8.7% जो पॉपुलेशन है वो निवास यहाँ पे करती है। अगर हम लोग कुल जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान आपका बिहार का हो जाता है। यानी कि जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान किसका है? बिहार का हो जाएगा। पूछा गया सवाल है कि बिहार में कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला की बात अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला सबसे पहला तो पटना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और पटना के बाद दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है, उसके बाद तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर का तीसरा स्थान है, और चौथा स्थान मधुबनी का हो जाता है। यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया का भी स्थान है, गया का। अगर सवाल आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा शेखपुरा के बाद स्थान आ जाता है शिवहर के बाद स्थान आ जाएगा अरवल का, और अरवल के बाद स्थान हो जाएगा लखीसराय का स्थान आता है यहाँ पे। यानी कि सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर का, उसके बाद अरवल का, उसके बाद लखीसराय का आ जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ करके 13,07,25,310 हो जाता है, इतना जनसंख्या हो जाता है बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखा जाए, पाँच नंबर, 64वीं बीपीसी में पूछा गया सवाल है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। पाँच नंबर, बिहार का प्रथम स्थान हो जाएगा, क्या हो जाता है, है ना, बिहार का प्रथम स्थान है। अगर नीचे से देखिए तो सबसे पहला ही इसका स्थान हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह केरल का है, केरल का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, लगभग 94% वहाँ पे साक्षर है। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर साक्षरता की बात करें तो 74.04% साक्षरता है, और केरल के बाद लक्षद्वीप के बाद मिजोरम का स्थान आता है, मिजोरम का। और वहीं आप बिहार देख लीजिए, बिहार में 61.8% लोग क्या है ना, साक्षर हो जाते हैं बिहार में, ये इसकी साक्षरता हो जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखा जाए, है ना, 6 नंबर सवाल है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है, ये बहुत पुराना प्रश्न है ना। 7 नंबर यहाँ पे देखिए, 7 नंबर कहता है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 7 नंबर बिहार में साक्षरता का प्रतिशत, और ये भी बहुत पुराना प्रश्न पूछा गया है। हालांकि यहाँ पे हम लोग आते हैं, यह 2022 में 67वीं बीपीसी में पूछा गया था, री एग्ज़ाम में पूछा गया था।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है? महिला की साक्षरता दर पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो महिला की साक्षरता दर यहाँ पे कितना हो जाता है, 51.5% हो जाएगा, है ना। बिहार में साक्षरता दर 61.8% हो जाएगा, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.2% हो जाता है, और सर्वाधिक पुरुष जो है वह रोहतास के साक्षर है, रोहतास के, और सबसे कम जो है वह पूर्णिया के पुरुष साक्षर है, है ना। उसी तरह से महिला की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की रोहतास हो जाएगी, है ना, रोहतास हो जाएगा, और न्यूनतम सहरसा हो जाता है, सहरसा, यानी कि 61.8% यहाँ पे क्या है, साक्षरता दर है बिहार की, जिसमें 71.2% पुरुष साक्षर है और महिला की साक्षरता 51.5% हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखते हैं। बिहार की 1981 से लेकर के 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, यहाँ पे वृद्धि दर कितना हो जाएगा, हालांकि वहाँ पे छोड़िए 2011 जनगणना, यानी कि एक से लेकर के अगर 11 की जनगणना के अनुसार देखें वृद्धि दर, तो बिहार का वृद्धि दर 25.4% हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, है ना, 2001 से लेकर के 11 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर, और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, मधेपुरा, और मधेपुरा के बाद किशनगंज का स्थान आता है, किशनगंज का, और किशनगंज के बाद स्थान अररिया का आता है, अररिया का, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला हो जाते हैं। और न्यूनतम जिला की बात किया जाए तो न्यूनतम जिला आपको अरवल, न्यूनतम जिला आपको अरवल हो जाएगा, और अरवल के बाद यहाँ पे जहानाबाद हो जाता है, जहानाबाद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसके बाद हम लोग नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, तो पुराना था आपको पता होगा, वर्तमान में 2011 की जनगणना ही आप पढ़िएगा, नया जनगणना भी पेश नहीं किया गया है, तो अभी जनसंख्या इसका 10,40,99,000 है ना 452 हो जाता है, है ना, और वर्तमान में जनगणना 13 करोड़ के लमसम हो गया है। तो चलिए हम लोग अभी इसको, बहुत प्रश्न है, अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।